हेलो फ्रेंड, स्टडी मेक शॉर्ट में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो का पर्पज है पूरे वीक में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं उन्हें एक सिंगल वीडियो में कम से कम समय में पूरा करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरे वीक में जितने भी करंट अफेयर हैं उनको हमने एक सीरीज से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अभी आरबीआई की जो मौद्रिक समिति की बैठक हुई है उसके बाद भारत के लिए विकास का दर 7 पॉइंट किया गया है। पहले ये था 7.5। ओके, और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो कि महात्मा गांधी के बर्थ पर है 2 अक्टूबर को मनाया गया है, और 2 अक्टूबर को ही लाल बहादुर शास्त्री की 118वीं जयंती भी मनाई गई है। और इसी वीक भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को नियुक्त किया गया है जिनका नाम अनिल चौहान है, और हमारे ये सेकेंड है। और पहले चीफ ऑफ डिफेंस बिपिन रावत हैं जो कि अब हम लोग के बीच नहीं रहे। और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अभिनेत्री आशा पारिक को सम्मानित किया गया है 2022 का स्वच्छ सर्वेक्षण में। छठी बार इंदौर को टॉप में रखा गया है, और जबकि दूसरे पर सूरत और तीसरे पर नवी मुंबई है। हालांकि हम बिहार के एग्जाम की स्पेशल तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए बिहार के जो भी करेंट अफेयर है उन पर हमारा फोकस ज्यादा रहेगा। तो बिहार का रैंक 11वां और बिहार की राजधानी पटना का 28वां रहा है। गुरुग्राम में बनेगा विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क, ये एग्जाम की पॉइंट व्यू से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सीआरपीएफ और आईटीबीपी के महानिदेशक इसी वीक नियुक्त किए गए हैं जिनका नाम है सुजय लाल थायोसेन और अनीस दयाल सिन्हा। और इटली की नई प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जो कि महिला पीएम है उनको नियुक्त किया गया है। और एयरटेल जो कि अभी सबसे ज्यादा न्यूज में है 5G के लिए, 5G की शुरुआत इंडिया में हो चुकी है तो एयरटेल ने अपने 5G सेवाओं को इंडिया में लॉन्च किया है बिहार कैडर के। हमने आपको पहले ही बताया कि हमारा फोकस बिहार एग्जाम पर ज्यादा रहेगा। तो बिहार कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सुनील वर्धमान वाणिज्य के सचिव पद संभाल रहे हैं। इसरो के वैज्ञानिक अनिल कुमार आईएएफ इंटरनेशनल एरोनॉटिक फेडरेशन के उपाध्यक्ष चुने गए। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन स्वीडन के स्वांते पेवे, हालांकि इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना देंगे जिसमें आपको फोटो के साथ रहेंगे। उन्हें स्वांते पेवे को फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। रेडबुल के ड्राइवर सर्जिया पेरेज ने सिंगापुर फॉर्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 22 जीता है भारत के कप्तान। हर एग्जाम में हमारा को एक दो क्वेश्चन हमारे ये खेल से रहते ही हैं। तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा 400 T20 खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। केरल का राज पुल्लम पारा ग्राम पंचायत देश का पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाला ग्राम पंचायत बन गया है। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन 1145 करोड़ की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया फ्रीडम रन 3.0 का शुभारंभ किया है। केंद्र सरकार ने युवा 2.0 लॉन्च किया है। ये युवा 2.0 क्या होता है, ये एक लेखकों का समूह है जो हमारे भारतीय धरोहर संस्कृति और ज्ञान तंत्र को बढ़ावा देने के दिशा में लिखेंगे। और अगला हमारा करंट अफेयर है महिला बास्केटबॉल विश्व कप, यूएसए ने चीन को हराकर 11वां विश्व खिताब हासिल किया। तेलंगाना सरकार ने गरीबों के लिए आसरा आसरा पेंशन की शुरुआत की है। संदीप कुमार गुप्ता गेल के अध्यक्ष ने फ्रांस की एक और नोबेल से पूछ क्वेश्चन फ्रांस की एनी और ने को नोबेल में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला। रूस और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं बेलारूस के एलेन, ये देखिए ये आप प्रोनाउंसिएशन कर लीजिएगा, एलेन दिया लिया सत्की को शांति का पुरस्कार मिला है। हालांकि रूस और यूक्रेन में भी वॉर चल रहा है। भारत के निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी जो कि एक बिहार से ही है को अपना नेशनल आइकॉन बनाया है। सीवी जॉर्ज ये जापान में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। इनका नाम है सीवी जॉर्ज। एक और वीवीआई क्वेश्चन बीडी मिश्रा, ये जो बीडी मिश्रा है इन्हें मेघालय के राज्यपाल पद की शपथ ली है। पीएनबी जो कि अभी फेस्टिवल का सीजन है जैसे ये
दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा, इसके लिए उन्होंने अपने पीएनबी के द्वारा पहला बैंक होगा जो व्हाट्सएप बैंकिंग की शुरुआत की है। 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी दिवस और 8 अक्टूबर को ही भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। चलिए हम अपना आज का ये छोटा सा सेशन अभी समाप्त करते, फिर आपके सामने प्रस्तुत होते नए सेशन के लिए। तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।